नमस्कार, आज हम भूगोल वैकल्पिक के पहले पेपर का पहला सेक्शन समझेंगे। अब जितने भी क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं वो ज़्यादातर प्रेडिक्टेबल थे। हमें पता था कि आसपास की क्या हैपनिंग्स हो रही हैं, उसके बेसिस पे ही पेपर आया है। एनवायरनमेंट पे प्रमुख फोकस रहा है इस सेक्शन में। और जैसा कि हम समझ रहे हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चंस जो 2017 की हमारी टेस्ट सीरीज थी उसके सिमिलर कॉन्सेप्ट्स पे ही बेस्ड है। 2018 की टेस्ट सीरीज हमने रिलीज़ कर दी है, उसके लास्ट के दो टेस्ट हमने रिजर्व रखे हैं, वो आपके मार्च में रिलीज़ होंगे। तो मार्च में जितने भी रीसेंट अपडेट्स हैं और रीसेंट हैपनिंग्स हैं उसके बेसिस पे हम उसमें नए कॉन्सेप्ट्स या जो भी रीसेंट हैपनिंग्स हैं उनको इंक्लूड करके बनाएंगे। अब पहला क्वेश्चन है स्यूडो वॉल्केनिक फीचर्स। स्यूडो शब्द का मतलब ही अपने आप में होता है फॉल्स या गलत। तो जो सही में वॉल्केनिक ओरिजिन के नहीं है पर दिखते ऐसे हैं कि वो वॉल्केनिक फीचर हैं या ज्वालामुखी द्वारा बने हुए हैं, तो उसमें आपका प्रमुख एग्जांपल हो गया मीटियोर से बना हुआ या धूमकेतु से बना हुआ, कॉमेट हो गया धूमकेतु, मीटियोर से बना हुआ, फिर आपका सॉल्ट प्लग और मड के द्वारा बने हुए ज्वालामुखी जो हमें दिखाई देते हैं। अब लो एनर्जी कोस्ट और कोरल कोस्ट में क्या अंतर है? कोरल कोस्ट तो हमें सीधा सीधा समझ में आता है कोरल एनर्जी कोरल रीफ्स के द्वारा बनाया हुआ है। लो एनर्जी कोस्ट वो कोस्ट हैं जो किसी भी तेज तूफान से प्रोटेक्टेड हैं, वो किसी भी द्वारा प्रोटेक्टेड हो सकते हैं, वो एम्बैंकमेंट के द्वारा प्रोटेक्ट हो सकते हैं या आइलैंड के द्वारा प्रोटेक्ट हो सकते हैं, रीफ के द्वारा प्रोटेक्ट हो सकते हैं। और इस केस में लो एनर्जी कोस्ट में जो डिपोजिशन होती है, जो जमाव होती है, उसकी गति अपरदन से ज़्यादा होती है। इसी तरीके से जो हाई एनर्जी कोस्ट है उसमें उल्टा होगा, उसमें अपरदन ज़्यादा होगा और जमाव कम होगा। लो एनर्जी कोस्ट के मुख्य एग्जांपल हैं आपके समुद्र तट के आसपास जो हमें बीच देखने को मिलते हैं और जो स्पिट्स देखने को मिलते हैं। अगला है समुद्र में जो करंट्स होते हैं उसका एयर मास पे क्या प्रभाव हुआ है। अब ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि समुद्र लगभग 70% एरिया कवर करता है और जो रेडिएशन है वो दुगनी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर सकता है, प्रमुखतः उसके एरिया के कारण या क्षेत्रफल के कारण। तो अब जब समुद्र पे गर्म करंट और वार्म करंट और कोल्ड करंट मिलते हैं जहाँ पर, तो वो क्षेत्र एक तो प्रभावित क्षेत्र हो गए। दूसरा यहाँ पर समझने की ये ज़रूरत है कि जब तापमान बढ़ता है और तापमान के कारण गर्मी उत्पन्न होती है तो एटमॉस्फेयर में इनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इनस्टेबिलिटी बढ़ने के कारण प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल के बढ़ने के कारण जो एयर मास है उनकी वेस्टर्न बाउंड्रीज पे अफेक्ट होता है। कुरोशिवो करंट जो है आपके नॉर्थ पैसिफिक गायर को अफेक्ट करता है और गल्फ स्ट्रीम जो है आपके नॉर्थ अटलांटिक गायर को अफेक्ट करती है। तो ये एक केस स्टडी है जो आप इसको एक्सप्लेन करके दे सकते हैं। अगला है बायोलॉजिकल रेगिस्तान क्या होते हैं या बायोलॉजिकल डेजर्ट क्या होते हैं। अब इस शब्द का डेजर्ट या रेगिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। बायोलॉजिकल डेजर्ट एक ऐसी टर्म है जिसको हम इसलिए यूज़ करते हैं कि ये वो क्षेत्र है जहाँ पर अब जीवन संभव नहीं है। मुख्यतः समुद्र की निचली सतहों पर बायोलॉजिकल डेजर्ट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मुख्य कारण प्रदूषण है, जो नेट्स और ट्रॉलर्स यूज़ किए जाते हैं वो है, और सेडिमेंटेशन और सिल्टेशन जो हो रहा है उसकी वजह से। 30 अक्टूबर को हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था कि प्रशांत महासागर में बहुत सारे सी मॉन्ट्स ऐसे हैं जो अब बायोलॉजिकल डेजर्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें हो गई, प्रशांत महासागर और बायोलॉजिकल डेजर्ट, तो दोनों ही आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो गए। तो अगला क्वेश्चन आपका प्रशांत महासागर के कॉन्फ़िगरेशन पे था। अब है कि माइक्रो कार्बन सिंक का कॉन्सेप्ट क्या है। तो माइक्रो कार्बन सिंक का कॉन्सेप्ट सिंपल है, जो हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का प्रोसेस बोलते हैं इसका मतलब एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को हम फिक्स करने की बात कर रहे हैं और उसको एब्जॉर्ब करने की बात कर रहे हैं। अब ये क्यों ज़रूरी है? जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रमुख चीज़ है जो क्लाइमेट के परिवर्तन को प्रभावित करती है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हवा में या एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड मिनिमम अमाउंट में रिलीज़ होना चाहिए। तो इसके लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड के सिंक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं आर्टिफिशियली, जिनको हम माइक्रो कार्बन सिंक्स कहते हैं। तो इसका प्रमुख फ़ायदा एग्रीकल्चर या किसान को भी होगा। और नेचुरली अगर हम देखें तो जो बड़े बड़े कार्बन सिंक्स हैं उसका एक अच्छा एग्जांपल हमारे समुद्र तट हैं या समुद्र हैं। तो ये चीज़ हो गई इसमें जो आपको समझानी है। अगला है एयर मूवमेंट ऑन अर्थ सरफेस को कौन कौन से फोर्सेस गवर्न करते हैं। अब टेस्ट सीरीज में हमने ये किया ही था कि जो जो भी फोर्सेस हैं
जो हमारे एयर मूवमेंट को अफेक्ट करते हैं सरफेस के पास में। तो उसमें आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हो गया, कोरियोलिस फोर्स हो गया, इन दोनों का रिजल्टेंट जो बनता है वो जियोस्ट्रॉफिक विंड हो गया। इसके अलावा गर्मी के कारण, हीट के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रेविटेशन के कारण और फ्रिक्शन के कारण, तो ये तीनों ही और 30 अलग प्रमुख फोर्सेस हैं जो आपके एयर मास या एयर मूवमेंट को प्रभावित करते हैं। अब अगला क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम स्लोप एनालिसिस की बात करते हैं तो हम डेविस के साइकिल, पैंक के साइकिल की बात करते हैं, पर इन सब में हमने स्लोप का एवोल्यूशन समझा कि किस तरीके से पुराने समय में स्लोप था और अब स्लोप किस तरीके से परिवर्तित हो रहा है। पर इसको समझ के हम कहीं से भी ये नहीं कह सकते कि हम स्लोप को मैनेज कैसे करें। उसके दो प्रमुख कारण हैं। स्लोप मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स या मानव जनित क्रियाओं को भी काम में लेते हैं, और मानव जनित क्रियाओं की जब हम बात करते हैं तो वो चीज़ स्लोप एनालिसिस में बिल्कुल अछूती है या उसको उसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। तो स्लोप मैनेजमेंट के एस्पेक्ट में एक तो आपको मानव जनित चीज़ों को काम में लेना, समझना पड़ेगा, और दूसरा स्लोप मैनेजमेंट जो है वो कंटेम्प्रेरी चीज़ें जो आज हो रही है उसमें पहले क्या हुआ है, उसका क्या प्रभाव पड़ा है, वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, पर वो उसके ऊपर, उसके बेसिस पे आप स्लोप मैनेजमेंट नहीं कर सकते। अगला है, इसमें टेरेस बेंचेस बनाए जाते हैं, स्लोप एंगल को कम किया जाता है, ड्रेनेज में बदलाव किया जाता है और कवर क्रॉपिंग की जाती है। ये कुछ प्रकार है जिसके द्वारा आप ये कर सकते हैं। अब पैसिफिक ओशन फ्लोर का कॉन्फ़िगरेशन पूछा है, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। जो टोटल ओशन है उसमें से पैसिफिक या प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, 35% का उसका एरिया है और उसमें बहुत सारे कोरल आइलैंड्स भी इंक्लूडेड हैं। अब इसमें जब भी हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ स्लोप की बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको सारे ही महासागर में देखने को मिलेगी, पर प्रशांत महासागर में आपके जापान ट्रेंच, फिलिपाइन ट्रेंच, टोंगा और करमेड़ा, ये कुछ प्रमुख ट्रेंचेस हैं या खाइयाँ हैं जो देखने को मिलती हैं। दूसरी तरफ प्लेटो या पठार हैं, जैसे कि हवानन पठार हुआ, एल्बेस्ट्रॉस पठार हुआ, साउथ ईस्ट पैसिफिक या साउथ ईस्ट प्रशांत पठार हुआ, ये हमको देखने को मिलता है। तो इन सब के बारे में आपको इंडिविजुअली एक्सप्लेन करना है। अब क्लाइमेट चेंज इज़ अ रियलिटी, इसको किस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्लाइमेट बदल रहा है निश्चित तौर पे, जो गर्म क्षेत्र हैं वहाँ पर एक्सट्रीम गर्मी पड़ने लग गई है, अचानक से वर्षा हो जाती है, फ्लड्स आ जाते हैं, तो ये सारे जो एक्सट्रीम वेदर फिनोमिनाज हैं ये क्लाइमेट चेंज का रिजल्ट है। तो जब क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट होता है तो सबसे ज़्यादा जो कोस्टल क्षेत्र हैं उनको ये प्रभावित करता है। तो कोस्टल इलाकों के जो शहर हैं विश्व भर में और भारत में अगर स्पेसिफिकली देखें तो हाल ही में मुंबई और मैंगलोर दो शहर न्यूज़ में आए थे। इसके अलावा आपका पारली आइलैंड जो है लक्षद्वीप में, वो हाल ही में ख़त्म हो चुका है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं पारली टू, तो ये सारे आप केस स्टडीज़ उसमें डाल सकते हैं। फिर ग्लेशियल मेल्टिंग का इम्पैक्ट डाल सकते हैं, आप इसमें ये बता सकते हैं कि किस तरीके से जो ग्लेशियर क्षेत्र हैं वहाँ पर लेक्स बनना शुरू हो गए हैं उनके मेल्टिंग के कारण। फिर आपकी चर्नोजिम और सीजोरिम सॉइल का अंतर, ये USGA के क्लासिफिकेशन में हमने समझा था। चर्नोजिम वो है जो काली मिट्टी से बनी हुई है, जिसकी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमस कंटेंट अच्छा है और खूब सारी खेती हो सकती है, यूरोपियन स्टेपीज में पाई जाती है। सीजोरिम दूसरी तरफ वो है जहाँ पर छोटी मोटी झाड़ और घास पाई जाती है, ग्रे कलर की मिट्टी होती है और ठंडे इलाकों में पाया जाता है। इसको आप मैप के द्वारा एक्सप्लेन करेंगे। फिर है अगला, क्या आपको क्लासिफिकेशन बताना है प्लांट्स का बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट। तो इसमें आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा हाइग्रोस्कोपिक प्लांट्स कौन से होते हैं, हाइड्रोफाइट्स कौन से होते हैं, सॉरी। तो हाइड्रोफाइट्स वो होते हैं जिनको पानी ज़्यादा लगता है, फिर मीजोफाइट जो कि बहुत पानी में नहीं रह सकते पर उनको नमी क्षेत्र पसंद होते हैं, ट्रोपोफाइट्स वो होते हैं जहाँ पर ऑल्टरनेट वेट और ड्राई सीजन है, फिर आपका नेरोफाइट्स वो है जहाँ पर सूखा पड़ता है, जेरोफाइट्स जहाँ अत्यधिक सूखा पड़ता है, और पेरिटोफाइट्स जहाँ पर सूखा पड़ने के कारण लंबी जड़ें देखने को मिलती हैं। अब पेरिग्लेशियल साइकिल जो है पेल्टियर का, ये इम्पॉर्टेंट है। पेल्टियर ने जो साइकिल दिया था वो ट्रॉल के आइडियाज पे था और उसका मुख्य उद्देश्य था कि प्रोसेस बेस्ड क्लासिफिकेशन था। तो जब प्रोसेस बेस्ड क्लासिफिकेशन की हमने बात की तो उसमें क्लाइमेटिक कंट्रोल और मॉर्फोजेनेटिक रीजन्स को डिवाइड किया गया। तो 9 मॉर्फोजेनेटिक रीजन्स दिए गए, उसमें से एक पेरिग्लेशियर था जिसमें तापमान -15 से -1 डिग्री था और जो भी आपका रेनफॉल है वो 120 से 1400 मिलीमीटर पर ईयर था। खूब ज़्यादा फ्रॉस्ट की कंडीशन थी, खूब ज़्यादा मास मूवमेंट था और बहते हुए जल को देखा गया था। पर फिर इसमें हमें ये लगा कि जो
पेरिग्लेशियल साइकिल है उसमें आपका जो देखा गया है वो क्रायोप्लानेशन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो क्रायोप्लानेशन में हमने ये समझा कि जब भी स्ट्रक्चरल बेंचेस जो ओरिजिनल हैं उसके नीचे के सतह पे जो ओरिजिनल स्ट्रक्चरल बेंचेस हैं उसके नीचे के लेवल पे जो बनता है वो क्रायोप्लानेशन टेरेस होता है। और क्रायोप्लानेशन टेरेस के अलावा जो खाई के निचले के हिस्से में वाइडनिंग हो रही है, पैरेलल रिट्रीट हो रहा है और जो स्लोप बेंचेस चौड़ी हो रही हैं उन सब की एनालिसिस की गई। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एवोल्यूशन ऑफ चैनल्स की बात कही थी। एवोल्यूशन का मतलब होता है कि एक चैनल पहले था पर अब नहीं है और उसकी जगह एक नया नदी या नदी का नया रास्ता पट गया है। तो ये हमने एंटीसीडेंट और सुपर इम्पोज ड्रेनेज की जब बात की थी तब समझा था। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि स्लोप ग्रेडियंट जो है वो हमें समझने की ज़रूरत है कि स्लोप के अकॉर्डिंग सेंट्रिपिटल या सेंट्रिफ्यूगल ड्रेनेज हो रहा है, फिर रॉक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं ट्रेलिस ड्रेनेज हो रहा है। तो अलग अलग ड्रेनेज के प्रकार समझाने के लिए अलग अलग एग्जांपल्स ले सकते हैं। और क्लाइमेट तो सबसे महत्वपूर्ण है ही क्योंकि क्लाइमेट के बदलाव के कारण फ्लड्स आते हैं या ड्राउट्स आते हैं और उसके कारण सिचुएशन बदलती है। अब अगला है पेव थ्योरी ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। दो स्कूल थे, BKW स्कूल जिसको हम बर्टन केट और वाइट स्कूल कहते थे जो बिहेवियरल ज्योग्राफी का था, और दूसरा था मॉस स्कूल जिसने पेव थ्योरी दी थी। मॉस स्कूल के प्रणेता चार थे, मिशेल ओ रिकार्डियन, सेरिनेन और सीवेल। सेरिनेन ने जो है ना टैट थ्योरी दी थी जो आपके मनोविज्ञान में काम में आती है प्रोजेक्टिव एनालिसिस के लिए, और उस थ्योरी के बेसिस पे उन्होंने कहा था कि जिन क्षेत्रों में अकाल पड़ा है वहाँ पर जो यंग पॉपुलेशन है और जो ओल्ड पॉपुलेशन है उनके बीच में जो एक्सपीरियंस का डिफरेंस हुआ है उसको समझाने की बात कही थी। फिर आपके सीवेल ने रिसोर्स एलोकेशन की बात कही थी। मिशेल ने आपके दो जगहों पर काम किया था, तो मिशेल ने ये बताया था कि सबसे प्रमुख चीज़ क्या है जब हम रिसोर्स एनालिसिस को समझते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ हमें किस में आती है। सीवेल ने फ्रेसर और मीकॉन्ग नदी पे काम किया था और उन्होंने ये बताया था कि किस तरीके से एडजस्टमेंट किए जा सकते हैं, और ओ रिकार्डियन ने रिसोर्स एलोकेशन की प्रॉब्लम को डिस्कस किया था। तो ये पेव थ्योरी के चारों प्रमुख प्रणेता थे जिनका मुख्य आइडिया ये था कि एनवायरनमेंट में अगर हम कोई भी चीज़ मैनेज करना चाहते हैं या संभालना चाहते हैं तो उसके लिए परसेप्शंस और एटीट्यूड्स बनाना बहुत ज़रूरी है और वो उसके प्रमुख सूत्र हैं, उसके कारण हम एनवायरनमेंट को मैनेज कर सकते हैं। तो ये हमने पेपर एक का पहला हिस्सा किया, पहला सेक्शन कवर किया। हम दूसरा सेक्शन अगली क्लास में कवर करेंगे। भूगोल से जुड़े और चैप्टर्स के लिए आप इस चैनल पे बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।